आज श्री मुक्तसर साहिब के बटिंडा रोड स्थित एक निजी होटल में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेतृत्व की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में फरीदकोट से सांसद मोहम्मद सादिक शामिल हुए। बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अपील की गई कि इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा योगदान दिया जाए। इस मौके पर सांसद मोहम्मद सादिक ने मीडिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मीडिया बिकाऊ है और जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। इस मौके पर उन्होंने पंजाब के मौजूदा हालातों के बारे में भी बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को भरपूर समर्थन मिल रहा है और कश्मीर में जाकर राहुल गांधी तिरंगा लहराएंगे। ज्यादातर जड़ी गल की थी है इलेक्ट्रॉनिक कमेटी भी की थी है और तुहानू भी पता है ये सवाल तुसी करता लिया दिलों तो तुसी भी जानते हो भाई एक NDTV सीगा जिथे एक ऐसा पत्रकार जिहड़ा सच्चियां गल्लां दसदा सीगा है जी वह भी उन्होंने खरीद लिया और बेचारे नूं अस्तीफा देना पिया। ये तो तुसीं भी जानते हो, ये पुछण वाली तो गल कोई है नहीं। देखो कांग्रेस के कोल इस वेले पावर नहीं है, लेकिन कांग्रेस उन्होंने साथ देगी जिन्हां लोगों देखो MP मैं अपोजिशन के हाँगा, असी बोल सकते हैं कर कुछ नहीं सकते, करने सरकार नहीं हुंदा। हाँ असी पंजाब के मुद्दे या जिहड़ी कोई लोगों दी तकलीफां हैगियां ने वह जाके उठाने हैं उठाइया ने, पर जिहड़ा करना है वह सरकार ने करना है। पंजाब का मौजूदा माहौल थोड़ी गड़बड़ हैगी है लॉ एंड आर्डर की, तो गल ये है भी जिथे सरकार दी जिम्मेवारियां ने कुछ अपनियां भी हुंदियां ने। नशियां तो असी अपने बच्चों को बचा सकते हैं जे असी टाइम बच्चों वास्ते देिए, क्योंकि एक कोई जरूरी अच्छा जिथे तक लॉ एंड आर्डर का तल्लक है भी हर एक बंदे दे नाल तां पुलिस नहीं जा सकती, उहदे विच भी सानू चाहिए समाज के उन्हां लोकां नूं भी जे अच्छे लोगों के कोल साडे बच्चों का बैठना उठना होवे और अच्छे लोगों को असी अच्छी गल करिए है जी, तो मैं समझदा भी लॉ एंड आर्डर भी ठीक हो सकता है। हाँ सरकार की जिम्मेवारी हैगी है भी वह लॉ एंड आर्डर ठीक करे।